हाय एवरीवन, आई एम नम्रता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो टॉपिक है बैंक। किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए फंड्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, बैंक जो है वो ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारी इकोनॉमी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। व्हाई आर बैंक इम्पोर्टेंस टू अ इकोनॉमी? बैंक आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर टर्म्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम ये है कि जिन लोगों को अपने पैसों को सेव करना है उससे डिपॉजिट लेना, और जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उन्हें वो फंड को लेंड करना। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एस्टैब्लिश्ड इन 1770 इन कलकत्ता। जो पहली बैंक थी वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो एस्टैब्लिश कलकत्ता में हुई थी इन 1770। वेदर यू आर अ हाउसवाइफ, आप एक हाउसवाइफ हैं, या एक कॉलेज स्टूडेंट है, या एक बिजनेस ओनर है, या एक रिटायर्ड प्रोफेशनल है, बैंक अकाउंट ना होना ये अनइमेजिनेबल है। आज के जमाने में हर किसी के पास बैंक अकाउंट होता ही है। बेस्ड ऑन पर्पस, लोकेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, बैंक आपको ऑफर करते अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट। आज की डेट पे जहां तक मुझे पता है, जनरली 6 टाइप के जो बैंक अकाउंट है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। फर्स्ट वन है सेविंग अकाउंट, सेकंड वन इज करंट अकाउंट, थर्ड वन इज सैलरी अकाउंट, फोर्थ वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिफ्थ वन इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एंड लास्ट सिक्स्थ वन इज NRI अकाउंट। सेविंग अकाउंट है कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल और जॉइंटली। उसका सिर्फ एम होता है टू सेव मनी। सेविंग अकाउंट एक रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में आप चाहे कितनी भी बार डिपॉजिट करो उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, पर सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन है ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ विड्रॉवल। सेविंग अकाउंट जो है वो मोस्टली कौन कौन लोग ओपन कराते हैं? स्टूडेंट्स है, पेंशनर है, हाउस वाइफ है और वर्किंग पर्सनल्स है। मोस्टली इन लोगों के सेविंग अकाउंट्स पाए जाते हैं। करंट अकाउंट मोस्टली बिजनेसमैन ओपन कराते हैं या कोई एसोसिएशंस, कंपनीज, रिलीजन इंस्टीट्यूशंस। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। करंट अकाउंट में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इधर डिपॉजिट पर या विड्रॉल पर। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है जो बाकी के अकाउंट्स में अवेलेबल नहीं है। सैलरी अकाउंट जो है वो जनरली आप जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयर और बैंक के बीच का टाइप होता है, तब आप सैलरी अकाउंट ओपन कराते हैं। एवरी मंथ आपके सैलरी या अलाउंसेस हैं या रीइंबर्समेंट्स हैं, कुछ भी है, वो सारे के सारे क्रेडिट होते हैं सैलरी अकाउंट में। FD और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अनदर टाइप ऑफ बैंक अकाउंट जो आप कहीं भी ओपन करा सकते हो, वेदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। FD में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। FD में आपके विश के हिसाब से कोई भी लमसम अमाउंट आप डिपॉजिट करा सकते हैं, और FD जो है वो वन टाइम डिपॉजिट एंड वन टाइम टेक अवे अकाउंट है। इसमें आपको कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं होते। अगर आपकी FD जो है वो मैच्योरिटी से पहले आप ब्रेक करते हो तो आपको सम पेनल्टी के वे में आपसे वो आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला होता है एट मैच्योरिटी, उससे कुछ कम पैसे आपको दिए जाते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और RD अकाउंट जो है वो अलग तरीके से डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें अकाउंट होल्डर हर महीने एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कराता है अंटिल फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट तक वो पहुँचे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जनरली 6 महीने से लेकर 120 महीने तक खुला जा सकता है, दैट इज 10 ईयर्स। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो वो परमिटेड तो है, पर सम ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड एज अ पेनल्टी। NRI अकाउंट टू फुलफिल द बैंक रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉन रेसिडेंशियल इंडियन,
और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया का पर्सन है पर कुछ रीजन से अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं तो वो लोग NRI अकाउंट यूज कर सकते हैं। NRI अकाउंट्स तीन टाइप के हैं, NRO, NRE, FCNR। NRO अकाउंट जो है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, इसमें ये अलाव करते हैं आपकी फॉरेन अर्निंग्स को इजीली ट्रांसफर करना टू इंडिया। सेकंड वन NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। जब कोई इंडियन सिटीजन मूव करता है अब्रॉड टू वर्क तब जो उसका अकाउंट होता है वो कन्वर्ट होता है NRE अकाउंट में। ये अकाउंट जो है वो जॉइंटली भी ओपन हो सकता है विद एन इंडियन रेसिडेंट। लास्ट FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये जो अकाउंट है वो ओपन होता है टू मैनेज योर इंटरनेशनल करेंसी। ये अकाउंट सिर्फ टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में ही ओपन होता है। टर्म डिपॉजिट है यानी ये जो अकाउंट है उसकी जो अमाउंट है वो विड्रॉ एक मैच्योरिटी पीरियड पर ही की जा सकती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा रिगार्डिंग बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड रिमेम्बर यू बिकम व्हाट यू स्टडी।